परिंदों की तरह दे जिंदगी से बस। हेलो गाइस, विनो एडिटिंग चैनल को आप सभी को स्वागत है। आज की स्टार्टिंग वीडियो तो देखा होगा गाइस, उस तरह मून रील्स एडिटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। उस तरह इंस्टाग्राम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइस, उस तरह वीडियो एडिटिंग को आज हम ट्यूटोरियल देने वाले हैं। उस तरह वीडियो एडिटिंग को करने के लिए आपको VN एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना गाइस। VN एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इधर प्लस आइकन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना गाइस। आपका शूट करे से एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। मैं इस वीडियो को सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो गाइस, इस बाइक का वीडियो को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस बाइक का वीडियो मैं इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इधर से जाके इस बाइक को प्लीज़ जाके सपोर्ट करना गाइस। देखो गाइस, ब्लैक स्क्रीन इमेज को डिलीट करने के बाद इधर ओरिजिनल को ऊपर क्लिक करके 9:16 रेशो को सेलेक्ट कर लेना। इस तरह अपना वीडियो ऐड हो चुका है। देखो गाइस, आपको टैप टू शिकर के ऊपर क्लिक करके आपको इस इमेज का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। इस तरह एडजस्ट कर लेना गाइस। देखो गाइस, इस तरह मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। इस तरह एडजस्ट होने के बाद अपने वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना। वीडियो के ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना गाइस। डुप्लीकेट करने के बाद फिर से इस वीडियो को ऊपर क्लिक करके फॉरवर्ड के ऊपर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इधर इस वीडियो को स्टार्टिंग में लेकर आना। इस तरह स्टार्टिंग में लेकर आके इस ब्लैक स्क्रीन इमेज को डिलीट कर लेना। डिलीट करने के बाद इसके ऊपर वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको फिल कर लेना। फिल करने के बाद आपको इधर क्रोमा ऑप्शन में चले जाना। क्रोमा ऑप्शन में चले जाने के बाद इस तरह आपको क्रोमा कर लेना गाइस। देखो गाइस, इस तरह अपना क्रोमा हो रहा है। इस तरह क्रोमा कर लेना गाइस। आपके कहाँ पर अच्छे जर से एडजस्ट होगा उधर आपको एडजस्ट कर लेना। मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, देखो इस तरह एडजस्ट हो चुका है। देखो गाइस, अपने वीडियो के अंदर इस तरह अपना मून रील सेटिंग हो रहा है। देखो गाइस, होने के बाद आपको वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना। अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करके फिल्टर में चले जाना गाइस। फिर से एडजस्ट में जाके आपको ड्यूरेशन को थोड़ा कम, इंटरेस्ट को थोड़ा पूरा माइनस कर लेना, ब्राइटनेस को भी थोड़ा माइनस कर लेना गाइस आपके वीडियो के अकॉर्डिंग। इस तरह मैं कर रहा हूँ। देखो गाइस, करने के बाद अपना वीडियो परफेक्टली रेडी हो चुका है। देखो गाइस, इस तरह होने के बाद फिर से टैप टू स्टिकर के ऊपर क्लिक करके आपको एक बर्ड्स का वीडियो दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इधर से जाके डाउनलोड करके यूज़ कर लेना गाइस। मैं इस बर्ड्स से वीडियो को इधर ऐड कर रहा हूँ। देखो गाइस, इस तरह एडजस्ट कर लो आप भी सभी लोगों ने। इस तरह फुल करने के बाद आपको क्रोमा ऑप्शन में चले जाना गाइस। क्रोमा ऑप्शन में चले जाके आपको क्रोमा क्यू को एडजस्ट कर लेना आपके वीडियो के अंदर। इस तरह मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। देखो गाइस, अपना बर्ड्स नहीं दिख रहा है। परफेक्टली एडजस्ट करो गाइस अपने वीडियो के। इस तरह बर्ड्स अपने ऐड हो चुके हैं। देखो गाइस, इस बर्ड्स के ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करके नीचे ला लेना अपने वीडियो के नीचे। इस तरह अपना बर्ड्स PNG वीडियो इस तरह ऐड हो चुका है। देखो गाइस, इस तरह ऐड हो चुका है। अपने वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना गाइस। क्लिक करने के बाद फिल्टर में चले जाना। फिर से एडजस्ट में जाके आपको थोड़ा ब्राइटनेस को थोड़ा इस तरह एडजस्ट कर लेना गाइस। देखो गाइस, इस तरह अपने वीडियो में फिर से आके थोड़ा ब्राइटनेस को थोड़ा माइनस कर लेना गाइस। इस तरह ऐड हो चुका है। देखो गाइस, अपने मून रील सेटिंग। अब आपको टैप टू म्यूजिक के ऊपर क्लिक कर लेना गाइस। टैप टू म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके इस म्यूजिक का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, इधर से जाके डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। देखो गाइस, मैं इस वीडियो में बुक मार्क ऐड कर चुका हूँ। देखो, फर्स्ट बुक मार्क है 1.28 को, सेकेंड बुक मार्क है 2.93 को, थर्ड बुक मार्क है 5.51 को, फोर्थ बुक मार्क है 6.20 को, फिफ्थ बुक मार्क 7.60, सिक्स बुक मार्क 10.64 को,
सेवन्थ बुकमार्क 14.05 को इस तरह बुकमार्क ऐड कर लो गाइस। ऐड करने के बाद डन के ऊपर क्लिक कर लेना। डन के ऊपर क्लिक करके आपको इधर लिरिक्स को ऐड कर लेना गाइस। टैप टू लिरिक्स के ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपका सॉन्ग का लिरिक्स ऐड करने के बाद गाइस इधर फॉन्ट में आ जाना। फॉन्ट में आके आपको फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके डाउनलोड करके यूज़ कर लेना गाइस। इस फॉन्ट को मैं इस तरह एडजस्ट कर रहा हूँ, देखो गाइस। फिर से कलर के ऊपर ऑप्शन पे, कलर ऑप्शन पे आ जाना। इधर आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना गाइस, नहीं तो वाइट सेलेक्ट करने के बाद इस तरह बॉर्डर लगा देना वाइट को। इस तरह अपना लिरिक्स ऐड होगा, देखो गाइस। इस तरह ऐड होने के बाद इस लिरिक्स को फुल कर लेना गाइस, वीडियो को फुल करने के बाद देखो गाइस इस तरह ऐड हो चुका है अपना लिरिक्स। फिर से फर्स्ट बुकमार्क को आके इस लिरिक्स को कट कर लेना गाइस, स्प्लिट में क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ऐसे ही आपको इसको बुकमार्क कितने उधर कट करके रख लेना गाइस। लिरिक्स को इस तरह कट करने के बाद फिर से आप एडिट के ऊपर क्लिक कर लेना। इस लिरिक्स को हटाने के बाद फिर दूसरा लिरिक्स ऐड कर लेना वीडियो के अंदर। अपना दूसरा लिरिक्स भी ऐड हो चुका है, देखो गाइस। इस तरह ऐड होने के बाद देखो गाइस इस तरह ऐड हो चुका है अपना दूसरा लिरिक्स भी। ऐड होने के बाद फिर से आपको कट कर लेना इस फॉन्ट को, इस लिरिक्स को गाइस। लिरिक्स के ऊपर क्लिक करके कट करने के बाद दूसरा लिरिक्स ऐड कर लेना। ऐसे ही आपके सॉन्ग के प्रकार लिरिक्स को ऐड कर लेना गाइस। थोड़ा वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, नहीं तो अपना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा गाइस। इस तरह वीडियो के अकॉर्डिंग आपको लिरिक्स को ऐड करने के बाद देखो गाइस अपना इस तरह वीडियो बन के रेडी हो चुका है। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, तू मेरा दे जिंदगी से ऐड हो चुका है। इस तरह अपना वीडियो बन के रेडी हो चुका है। आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना गाइस। देखो गाइस अपना वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर से अगले वीडियो में मिलता हूँ गाइस, बाय। अभी के लिए फिर कल नए वीडियो के साथ आते हैं, बाय।